राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के दो दिनों के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति वाराणसी और लखनऊ में कार्यक्रमों में भाग लेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक संपन्न हुई। इसमें 21 मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में देश में जातिगत जनगणना कराने का मुद्दा उठाया, साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में कराए गए जातिगत सर्वे पर कई सवाल उठे हैं, पहले इन सवालों का समाधान जरूरी है। मध्य प्रदेश में आज भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनने के लिए भोपाल में बैठक करेंगे। राज्य के नए मुख्यमंत्री की हो सकती है घोषणा। सत्ताईसवें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, आज से नई दिल्ली में कार्यक्रम। अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिहार के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे पर्यटक। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ और कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने सेवा की विधिवत शुरुआत की। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पहले चरण का पूरक परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 2773 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कॉमन लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट का परिणाम जारी कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ द्वारा मोतिहारी के खेल भवन में आयोजित 5 दिवसीय एपिक राउंड इंटरनेशनल शतरंज प्रतियोगिता का समापन हुआ।